कुर्बानी व त्याग का पर्व ईद उल अजहा मुस्लिम समुदाय द्वारा पूरे देश और दुनिया के साथ भिलाई के जामा मस्जिद में विशेष नमाज अदा करके हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान ईदगाहों में नमाज अदा करने के बाद गैर मुस्लिम समाज से भी लोग पहुंचे और अपने मुस्लिम भाइयों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। ईद उल अजहा के विशेष मौके पर भिलाई के सेक्टर 6 स्थित ईदगाह में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज अदा करने पहुंचे। हाफिज शान मोहम्मद अशरफी द्वारा ईद की नमाज पढ़ाई गई और वतन में शांति व भाईचारे की दुआ की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक संगठन के लोग भी इस दौरान मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई देने ईदगाह पहुंचे थे। मीडिया से चर्चा के दौरान हाफिज शान मोहम्मद अशरफी ने ईद उल जुहा का पर्व मनाए जाने के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा, यह पर्व खुदा की राह में सब कुछ कुर्बान कर देने का पैगाम देता है।
हमारे इस ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर हमारी व्यवस्था बनाए रखने में हमारे को व्यवस्था बनाए रखने में हमारा काम किया, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम फिर एक बार ऐलान कर रहे हैं, हम विलयनगर मस्जिद इंतजामिया कमेटी की जानिब से अपने भिलाई मैनेजमेंट, अपने कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, जनाब हमारे बदीदिन कुरैशी साहब, जनाब आदि काली, आदि सफेद, आदि काली, आदि सफेद, अरे क्या बात है, نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن صدق الله العظيم آج بقرعید کا دن ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اولاد ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے त्याग दिया था, जान माल सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उन्हीं की याद है कुर्बानी। उन्होंने अपने बेटे तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। आज उनकी याद में हम जानवर कुर्बान करते हैं अल्लाह की खुशी के लिए। तो अल्लाह के लिए जो कुछ भी मनुष्य के पास है सब अल्लाह का दिया हुआ है, तो वो जब मांगे, जान मांगे, माल मांगे, औलाद मांगे, पैसा मांगे, सब त्याग देना, यही इस्लाम की तालीम है। और आज उसी की याद है जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने किया। आज सारी दुनिया में मुसलमान उन्हीं की याद मनाते हैं। हमें भी चाहिए कि उनकी तरह सच के लिए, हक के लिए हमेशा हम सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहें। आज दुआ मांगी गई है कि हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष में अल्लाह ताला अमन व चैन, शांति अता फरमाए और पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क को तरक्की दे। यहाँ जितने लोग रहते हैं सबके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत हो, मिलजुल करके लोग रहें, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव भी ईद की बधाई देने ईदगाह पहुँचे। उन्होंने भिलाई को कौमी एकता की मिसाल बताया। हमारा शहर भिलाई भारत का स्वरूप अपने अंदर समा के रखता है। कल पूरा भिलाई जगन्नाथ प्रभु के यात्रा में सम्मिलित था और आज पूरा भिलाई ईद में एक दूसरे से कौमी एकता के प्यार मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे के साथ है। तो ऐसा भिलाई है हमारा और मैं सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को बकरीद की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई देता हूं। और हम लोग इसी तरह कौमी एकता के साथ हमारे शहर में आपसी प्रेम अमन के साथ एक दूसरे के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे के लिए काम करते रहेंगे। ईद की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रतीक स्वरूप बकरों की कुर्बानियां दी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।